आरबीआई ने चिंता जाहिर की है और जाहिर तौर पर है कि अभी जिन राज्यों में ये ओपीएस लागू की जा रही है उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी जब 2-4-10 साल बाद इसका खासतौर पर मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है कि वो उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तब बोझ ज्यादा पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद जो है। और आरबीआई ने खुद चिंता जाहिर की है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आर्थिक संकट की स्थिति को देखने के लिए मिल सकती है हमें। आपके नजरिए से क्या कुछ है, ये ओपीएस और एनपीएस को कैसे लेते हैं आप? ये तो क्वेश्चन उससे सर आपसे देखिए, ओपीएस एनपीएस जब लाया गया था, जो ओपीएस लाया था 1950 में लाया गया था, तब लाया गया जो आदमी के आम आदमी की जो उम्मीद की जाती थी कि जिंदा रहेगा लगभग 52 ईयर्स की, आज लगभग 70 साल है। एक तो वो बढ़ गया, उस जमाने में अगर मान लीजिए 1 लाख कर्मचारी थे, आज कर्मचारी 10 लाख हो गए, तो एक तो वो बढ़ गया। दूसरा अगर आप बजट देखे 1990 में, 90-91 के आसपास जो बजट होता था पेंशन का, वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए का होता था, आज वो 40,000 करोड़ में हो गया है। दूसरे डाटा अगर आप करेंगे स्टेट रेवेन्यू में करें, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वो 80% स्टेट रेवेन्यू का जो होता है वो सिर्फ पेंशन स्कीम में चला जाएगा। उसी टाइप से अगर आप किसी और स्टेट का भी देखेंगे, पंजाब का भी देखेंगे तो 35% है, छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो 24% है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, देखिए जो स्थिति 1950 में थी, 51 में थी, 52 में थी पेंशन की, वो एक अलग स्थिति थी। और जैसा हमारे अमिताभ कुमार जी कह रहे हैं कि तो राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं कि आप कुछ लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते। अब जो एनपीएस के अगर आप टेक्निकलिटी में चलेंगे तो एनपीएस जो है टेक्निकली बहुत साउंड है, वो आपको आराम से बैठ करके खाने की इजाजत दे देता है, वो बात सही है। वो ये नहीं कहता है कि आपको हर महीने अगर आपकी 5,000 तनख्वाह थी तो आपको 2,500 रुपए पेंशन मिलती रहेगी, प्लस डीएनएस अलाउंस मिलेगा और आप उस पर चलते रहेंगे। और अब आपको क्या कहता है कि आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे की रिटर्न आएगी, तो आप 9 ईयर्स इन द कम्पिटिटिव मार्केट, तो कम्पिटिटिव मार्केट में यू हैव टू फॉलो द कम्पिटिटिव रूल। 1950 में जब इंट्रोड्यूस किया गया उसकी स्थिति में आज की स्थिति में फर्क है, ठीक है। अब आ जाए हम लोग, हमारे दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बोलते हैं, दोनों अल्टीमेटली तो क्या है, सारा झगड़ा सरकारी कर्मचारी को खुश रखा जाए और कैसे खुश रखा जाए जिससे इलेक्शन का जो प्रव्यू वो वाली बात पे चलते हैं। तो मेनली इलेक्शन प्रव्यू ज्यादा है। अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन पढ़े, किसी भी इकोनॉमिक से पूछे, तो जिस ढंग से पेंशन का जो बोझ सरकारों को पड़ रहा है, बेसिकली क्या है, पेंशन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप एक किसी पर्टिकुलर चीजों को लाइबिलिटीज को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटीज तो आपकी हमेशा सस्टेन, उससे आपको कोई चीज एडवांटेज नहीं मिल रही, आप डिस एडवांटेज में जाते जा रहे हैं। अगर इस सब चीज के हम एनपीएस और ओपीएस की बात करें, तो हमें मुझे लगता है कि आज के युग में एनपीएस ज्यादा होना चाहिए, ओपीएस एज इकोनॉमिक जो है, ओपीएस की कोई रिलेवेंसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक बोझ का जो हवाला दिया जा रहा है, जब हम भुखमरी के कगार पर खड़े थे तब हम ओपीएस दे रहे थे, पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लोगों को मिल रहा था, आज जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़े हुए हैं तब हम आर्थिक बोझ का हवाला दे रहे हैं, वजह? उस समय आप मान, जब हम मान लीजिए आर्थिक भुखमरी की जब भी बात करें, तो अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, आप अमाउंट पे चलेगा ना। मैंने आपको बड़ा सिंपल से बताया कि 1990-91 में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का बिल था आपका, अब आपकी देख, आपकी देख में 40,000 करोड़ का बिल है, तो आपका बिल बढ़ता जा रहा है ना। आपने जो मेडिकल सुविधाएं दूसरी सुविधाएं, आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं ना, आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं, तभी तो हम पांचवें पायदान पर पहुंच रहे हैं। नहीं, आय के स्रोत, ओवरऑल आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि इंडिविजुअल को बेनिफिट करने के लिए बढ़ पा रहे हैं, उतने बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितने उस, आप मान लीजिए 30-32 हजार करोड़ रुपए हम नॉर्मल आदमी पे खर्च करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, आरबीआई ने जो ये ओपीएस को लेकर के जो चिंता जाहिर की है, क्या आरबीआई को या अन्य संस्थाओं को ये नहीं दिख रहा है कि जो राजनीतिक दल के नेताओं को 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 पेंशन मिल रही है, 8-8 पेंशन मिल रही है, और उनको न जाने कौन कौन सा भत्ता मिल रहा है। एक बार अगर कोई विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है, गलती से भी बन जाता है, तो अगर उसको पेंशन ना भी मिले तो जीवन भर उसके कुर्ते का कलश नहीं टूटेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक और केवल सांसद बन जाएगा तो जीवन भर उसके कुर्ते का कलश नहीं टूटेगा, और वही विधायक वही सांसद को पेंशन मिल रही है, और एक एक नहीं 8-8 पेंशन मिल रही है, 8 बार विधायक बनेगा तो 8 बार पेंशन मिलेगी, 8 पेंशन, ये इन संस्थाओं को नहीं दिख रहा है। देखिए, आप आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, हम लोग आर्थिक समान, आप कह
है कि सामाजिक समानता क्या, हम कहते हैं कि आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, आप एक पर्टिकुलर वर्ग को कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ग को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे बहुत से वर्ग होंगे जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम अगर वो डिस्कस करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है हमें, नहीं हमें नहीं, हमें नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इन संस्थाओं को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नेता जो आते हैं ये तो यही कहते हैं ना कि हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, इनके अंदर देशभक्ति का वो जो झलकता है, तो समाज सेवा में मतलब कितनी ज्यादा सुविधाएं दे दी जाती हैं। देखिए आरबीआई के साथ समझिए, मान लीजिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट है, हम आप जिस सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो मुश्किल से 500 करोड़ रुपए का बजट उसमें पड़ता है, तो 0.5% के लिए ज्यादा चिंता आरबीआई नहीं करता। आरबीआई के लिए नहीं किया है 500 करोड़, ये 2,00,000 करोड़ वो जो आज तक राशन दिया जा रहा है, आज कहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी है बताइए आप, आज कौन सा व्यक्ति मास्क लगा के टहलता है, कोरोना का हवाला जो दिया आज तक दिया जा रहा है, जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, आज बताइए कोरोना को कब खत्म हुए हो गए, और अभी वो भी तो 2,00,000 करोड़ अभी फिर आ रहा है, नवंबर दिसंबर में कब आएगा, फिर एक्सटेंड होगा, चुनाव आ रहे हैं, इस पर ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, फिर अगर रेवड़ी बढ़ रहे हैं तो रेवड़ी तो सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी एक चीज पर तो हमें ध्यान आकर्षित करेंगे नहीं। देखिए आप जो हम सरकार चलाते हैं, डेमोक्रेसी चलाते हैं, कई कई कंपल्शन होते हैं, एक उसमें राजनीतिक कंपल्शन भी होता है, तो राजनीतिक कंपल्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक बस कंपल्शन, यही चीज हम जानना चाह रहे थे कि राजनीतिक फायदे के लिए इन राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग सुटेबल कौन सा मुद्दा इनको सुटेबल सूट करेगा वो देखते हैं ना, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। नहीं मैं सिंपल से बोलता हूँ कि राजनीतिक कंपल्शन है, फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक कंपल्शन एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा उसको राजनीतिक उसे उस राजनीति में उसी स्टाइल में रहना है। अगर आप इकोनॉमिक हिसाब समझे, इकोनॉमिक हिसाब से सभी को लगता सबको समझ में आता है कि क्या चीज रेवड़ी है क्या चीज रेवड़ी नहीं।